स्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने टोटली कवर किया है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, क्रिप्टो में घुसने से पहले वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लाइव रिव्यू किया है अपने पोर्टफोलियो, जो कि किस तरह से एक स्मॉल इन्वेस्टर किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट की बात क्यों ना करें, तो आप इसको इससे भी कोरिलेट करके चल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि किस तरह से एक स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो मार्केट में घुसने से पहले किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से उनको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि वो हमारे तरह आगे जाके बस न सके। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट 2020 में काफी बोलबाला रहा है, जिसमें इंडिया से भी काफी इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट हुआ है और आज क्रिप्टो मार्केट जो है लगभग 50-60% डाउन में आकर बैठ चुका है। और उसके पीछे का रीजन तो आप जानते हैं कि एलन मस्क के ट्वीट, या फिर आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको जो बैन किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, इस तरह की खबरों के चलते क्रिप्टो मार्केट टोटली 50-60% डाउन हो चुका है। और इसमें काफी इन्वेस्टर्स पिछले 5-6 महीने से फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी क्रिप्टो में लगाकर रखा था। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एंटर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और किस तरह से आपको छोटे छोटे पार्ट में आगे बढ़ना है, न कि एक साथ आपको इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को फंसाए रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हमारे लाइव पोर्टफोलियो पर। तो हमने अपना क्रिप्टो करेंसी में जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे वो कॉइन स्विच एप्लीकेशन के थ्रू किया था। तो अब हम आ जाते हैं अपने कॉइन स्विच एप्लीकेशन के पोर्टफोलियो पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने ओपन कर लिया है अपना कॉइन स्विच का पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको सारी की सारी रेड जोन में ही सारे अमाउंट दिख रहे होंगे। आप सोच रहे हैं कि ये काफी माइनस में पोर्टफोलियो दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसकी करंट वैल्यू जो चल रही है हमारे इन्वेस्टमेंट की, वो है लगभग 32,852 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अभी लाइव चल रहा है, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख सकते हैं वो लगभग 84,379 का है। और प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि मैं किस बारे में आपका फोकस रख रहा हूँ इस वीडियो में, तो वो -61% का मेरा लॉस एट प्रेजेंट मुझे हो रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने काफी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है। डिफरेंट नाम पढ़ सकते हैं आप, रिपल यानी कि XRP, डीजीबाइट है, डॉजी कॉइन है, IXL, RLC है, ट्रॉन है, इंटरनेट कंप्यूटर, मेटल, फाइल कॉइन, बिटकॉइन। तो इस तरह से सारी की सारी करेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या मौजूद है और इसके बारे में हम कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि फर्स्ट मैं अपनी करेंसीज ओपन कर लेता हूँ XRP यानी कि रिपल की। के बारे में आप देखेंगे तो इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 55.3917 का, यानी कि 55 रुपए के आसपास ये चल रहा है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि वन डे में 0.03% डाउन है। वन वीक की बात करें तो फ्रेंड्स ये कुछ खास अप एंड डाउन नहीं है। वन मंथ में रिपल में देखेंगे तो 6.555% की तेजी है और वन ईयर का रिटर्न देखेंगे तो फ्रेंड्स लगभग 134% का रिटर्न है। वहीं इसका वन ईयर का हाई आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये 159 के हाई पर पहुंच चुका था और मार्केट में जो करेक्शन आया उसके बाद इसकी हालत हो चुकी है। और इसके बारे में देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने कितना ले रखा है, मेरे पास XRP का बैलेंस है लगभग 490 के आसपास मुझे मेरे पास क्वांटिटी है, जिसकी करंट वैल्यू है 26,739 रुपए और जिसमें मुझे 60% तक का लॉस है। मेरा एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ देख सकते हैं कि 136 रुपीज का है। 160% का लॉस, यानी कि मेरा टोटल वैल्यू इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड है वो लगभग 65,000 के आसपास का है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने क्या गलती की, आपको मैं यहाँ इसके ट्रांजेक्शन के हिस्ट्री में क्लियरली बता सकता हूँ जो हम आगे बात करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिपल की बात करें तो ये मार्केट रैंक इसका 6 है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 244,713 रुपए का मार्केट कैप है। ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें शो हो रहा है कि 68% पीपल बोल रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं, वहीं 32% लोगों का कहना है कि आप सेल करके सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया है क्रिप्टो में एंटर करने के बाद, जो कि आने वाले दिनों में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें और किन चीजों का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट बाइंग था वो था 5 अप्रैल 2021 को, जो मैंने लगभग 80 क्वांटिटी परचेस की थी, 5,000 अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था। और ये इन्वेस्टमेंट 5 तारीख को मैंने किया था। 5 के बाद मैंने 10 अप्रैल को मैंने अपना XRP को सेल आउट किया था, जो कि 8,000 के अमाउंट पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो 8,000 का, 8,000 अमाउंट का मैंने सेल किया, यानी 5,000 से मुझे रिटर्न मिला 8,000। तो देख सकते हैं कि मुझे लगभग 60% का प्रॉफिट हुआ, वो भी कितने दिन में फ्रेंड्स, 5 दिन में। तो यही लालच है जो लोगों को क्रिप्टो में एंटर करने पर मजबूर करता है। आप भी देख सकते
सकते हैं कि फ्रेंड्स 5 दिन में 60% का रिटर्न काफी अट्रैक्टिव लगता है और इसलिए छोटे इन्वेस्टर काफी आजकल अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे क्रिप्टो मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मुझे भी 60% का प्रॉफिट तो ठीक ठाक हुआ। उसके बाद मैंने फिर से 11 तारीख को बाइंग की लगभग ट्रिपल अमाउंट पे, यानी 5000 का मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया था वो बेच दिया, फिर मैंने 15000 की बाइंग फिर से कर ली 15,757 रुपए की, और वो पहुंच के फिर से मैंने सेल किया प्रॉफिट में ही काफी, तो लगभग 25% प्रॉफिट पे मैंने उसको सेल किया जो कि था 20,000 का अमाउंट, वो भी कितने दिन में, 3 दिन में। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मुझे प्रॉफिट हुआ, इसमें पहले हुआ 3,000 का, फिर से मैंने बाय किया 15,000 का फिर खरीदा, 20,000 के आसपास फिर बेचा, फिर से मैंने क्वांटिटी उठाई 14 अप्रैल सेम डे को 12,000 की बाइंग मैंने फिर की 12,658 रुपए की, और अब जो मैंने बाइंग की मैं ऑलमोस्ट फंस चुका था इसकी। उसके बाद मैंने 16 अप्रैल को एक फिर से बड़ी बाइंग कर दी लालच में आकर, उसके बाद जो मार्केट क्रैश हुआ तो मैं इसमें होल्डिंग मुझे अटका रहना पड़ गया। तो मैंने अभी तक अपना जो है सेल आउट नहीं किया है, मैंने होल्ड करके रखा है ताकि मुझे लॉस बेयर नहीं करना पड़े, एटलीस्ट मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट तो बना रहेगा, मुझे लॉस होने से तो बच सकता हूँ। फिर से मार्केट उठेगा आज नहीं तो कल, तो यहाँ पे मुझे काफी लंबा होल्ड करना पड़ जा रहा है। जैसे अप्रैल 2021 में मेरा इन्वेस्टमेंट है और आज अगस्त चल रहा है, तो अगस्त तक काफी टाइम हो गया कि जिसमें लगभग 60% की गिरावट के साथ बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देख सकते हैं कि मेरे बाकी भी कॉइन्स में मुझे काफी अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं 70% का लॉस डिजीबाइट में, 60% का लॉस आरएलसी में, डॉजीकॉइन में 67% का लॉस। तो मैंने एक गलती वही की फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने जो अपना पोर्टफोलियो था मुझे प्रॉफिट होने के बाद भी मैं वही अमाउंट को री इन्वेस्टेड करते गया, मैंने अपना कोई भी अमाउंट विड्रॉवल के लिए नहीं निकाला, जिसका मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल पूरा का पूरा टोटली फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आप एंटर करना भी चाहते हैं, मान लीजिए कि मार्केट अभी काफी गिरा हुआ है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है बट रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स क्रिप्टो में घुसने से पहले, वो आप समझ के चलिए। आप जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो उतना ही करना ना कि आप समझ सको कि ये समझ के चल सको कि मेरे पास ये पैसा कभी था ही नहीं, तो उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि मेरे तरह बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल मत डालिए, 2,000, 1,500 जैसी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो मेंटेन करें और छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करिए फ्रेंड, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। भविष्य में क्रिप्टो का डिमांड तो आने वाला है ऐसा लोगों को लगता है, बिकॉज ऑफ जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है आगे जाके फ्यूचर में, तो एक ना एक दिन तो इसको अप्रूवल मिलेगा ही, सारे कंट्रीज इसके लिए फेवर करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आगे जाके काफी कंट्रीज में ग्रोथ लाएगी, इसका यूज भविष्य में काफी होने वाला है आने वाले 10 साल 20 साल जो भी टाइम लगे इसको अप्रूवल देने के लिए, बट इसपे काम गवर्नमेंट भी कर रही है कि इसको किस तरह से सेफ्टी मेजर के साथ लाया जाए, तो सरकार भी इस पर काम कर रही है कि किस तरह से क्रिप्टो को देश में शुरू किया जाए, और इसके पीछे काफी सेफ मेजर देखना जरूरी है क्योंकि इससे देश को खतरा भी हो सकता है, देश की करेंसी को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से क्रिप्टो का यूज काफी हो रहा है, उसी वजह से हर देश अपने देश की सुरक्षा के लिए इसको बैन कर रही है, जो कि एक सही भी है, लेकिन आने वाले टाइम में इस पर सुधार करके इसको लागू होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही होना चाहिए जितना आप रिस्क बेयर कर सकते, स्टॉक मार्केट तो सेफ है एक तरह से, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट में कोई सेफ्टी नहीं है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, माना कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, वो कल को 10 लाख भी हो सकता है और एक ही दिन में वो जीरो भी हो सकता है या 10 रुपए पर भी आ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना रखना चाहिए, न कि आप बल्क में लमसम अमाउंट काफी अच्छा खासा घुसा के बैठ जाए और वो आपका कैपिटल जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो की हालत हुई है उस तरह से हो जाए और आप अपना कैपिटल भी नहीं निकाल सकते, अगर आपको निकालना है तो आपको इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन अपनी कैपिटल को सेफ रखते हुए करिए, यानी कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप विड्रॉ भी करिए, आपको प्रॉफिट हुआ आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को साइड में रख लीजिए, जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट कीजिए, फिर वहां से आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलता है फिर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट साइड में निकालते रहिए, तो इस तरह से आप ये स्ट्रेटेजी अपना कर चलेंगे तो आपका कभी भी पैसा ब्लॉक नहीं होगा, ना ही आपका कैपिटल रिस्क पे लगा होगा जैसा कि हमारे पोर्टफोलियो में आपको हमने लाइव दिखाया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही होगा। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में घुसना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, किन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए पहले से ही आगे नजरिया रखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी